सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 में अंतरा भाग 2 का पाठ 1, जिसमें कार्नेलिया का गीत और देवसेना का गीत, दो कविताएं ली गई है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित है, उसका प्रथम भाग हम पढ़ेंगे। इनमें हम कविता की व्याख्या पढ़ेंगे, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो पढ़ेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाठ को पूरा देखें, पाठ को पूरा देखें, तब जाकर के अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, विद्यार्थियों की से दो बात, छोटी छोटी दो बात कहना चाहूंगा कि आप क्या करते हैं। जैसे मान लो आप किसी सूचना को या किसी भी लेसन को जब आप स्किप कर देते हैं, थोड़ा सा देखा स्किप कर दिया, तो उसमें बहुत सारी बातें रह जाती है। यदि कोई स्टूडेंट 100% नंबर लाना चाहता है तो उसे 100% ही पढ़ना होता है, प्रत्येक चीज को पढ़ना होता है। दूसरी बात, बुक में जो बात दी गई है उस बात को अच्छी तरह से विश्लेषित करना, आपको समझाना, और हम उसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इसके लिए कैसे लिखा जाना है, उनमें से कौन सी जो लाइन है वो विशेष है, वो सब बातें आपको बताई जाती है, और वहां आप अंडरलाइन कर लें। यहां जो होमवर्क दिया हुआ है उस होमवर्क को आप निश्चित रूप से अपनी कॉपी में करें, चेक करवाएं, उन प्रश्नों को याद करें। इस पाठ में हम 14 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में उनमें से बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा, यानी वो जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों में से कोई बाहर प्रश्न नहीं होगा, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से याद रखें और इनको पढ़ें। आपकी सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप 9610208295, इन पे व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाया गया है, 10th, 11th, 12th, 8th, 9th, यानी 8वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों के अलग अलग ग्रुप है। कंपटीशन क्लास के विद्यार्थियों के अलग ग्रुप बनाए हुए हैं जिनमें वो विद्यार्थी एड हो सकते हैं। जयशंकर प्रसाद इस पाठ में, ये जो भाग प्रथम पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं, भाग प्रथम। भाग प्रथम में हम एक जो जयशंकर प्रसाद का परिचय पढ़ेंगे और कविताओं का परिचय पढ़ेंगे। कविता का परिचय क्या है, कविता का सारांश क्या है, उसमें से कौन कौन से प्रश्न जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिए, आगे चलते हैं अपन और पढ़ के देखते हैं कि क्या कैसा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कौन थे, इनकी क्या विशेषताएं थी, इनसे हम क्या प्रेरणा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 1889 से 1937 तक, यानी 1889 में जन्म हुआ और 1937 में इनका देहांत हुआ, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे, जो कि छायावाद के जो चार स्तंभ है उनमें से सशक्त हस्ताक्षर थे, उनमें से प्रथम थे। चार जो मुख्य कवि थे, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण थे। इनका जन्म काशी में हुआ था, कहाँ हुआ, काशी में हुआ। 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद उन्होंने घर पर ही अध्ययन किया। 8वीं तक विद्यालय में पढ़े, उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय द्वारा अध्ययन किया और घर पर अध्ययन करके उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का और साहित्य का गहन अध्ययन किया, घर पे अध्ययन। देखिए, इससे हम क्या प्रेरणा लेते हैं कि पढ़ाई करने के लिए हमारा मन है वो एकाग्र होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। समर्पित होकर के कोई व्यक्ति यदि पढ़ता है तो वह व्यक्ति अच्छी तरह से अपने मुकाम पर पहुंच सकता है। इन्होंने संस्कृत का, पाली का, उर्दू का, अंग्रेजी का और भी कई भाषाओं का अध्ययन इन्होंने किया। अध्ययन करके और इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे पंडित थे, प्रकांड विद्वान थे। इतिहास की बहुत अच्छी जानकारी थी, दर्शन शास्त्र की भी, धर्मशास्त्र की भी, और पुरातत्व यानी हमारे जो प्राचीन सभ्यता है उनके वो प्रकांड पंडित थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे, और वो पर निंदा और आत्मस्तुति दोनों से अलग रहते थे, दूर रहते थे, यानी दूसरे की निंदा वो नहीं करते थे और स्वयं की बड़ाई भी वो कभी भी नहीं करते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मूल रूप से कवि थे। देखिए, यहां पर आप को प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल से क्या थे, वो कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखी, निबंध भी लिखे।
अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन उन्होंने किया है। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। अब यहां से प्रश्न आ सकता है कि प्रसाद के साहित्य में की प्रमुख विशेषता क्या है, तो वो है राष्ट्रीय जागरण। क्या है? राष्ट्रीय जागरण का स्वर। संपूर्ण साहित्य में विशेष रूप से नाटकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया है। उनकी कविताओं कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की, यानी उनकी कविता और कहानियों की क्या विशेषता है, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। क्या मिलती है? झलक मिलती है, ये उनकी विशेषता हो गई। अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? देखिए, उन्होंने जो नाटक लिखे थे वो है अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, ये इन्होंने नाटक लिखे। उपन्यास इन्होंने लिखा था कंकाल, तितली, इरावती। इरावती उपन्यास है वो अधूरा था। अब आपसे पूछा जा सकता है, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था, और वो था कौन सा था? इरावती। कहानी संग्रह में इन्होंने आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये सारे कहानी संग्रह, इनमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। आकाशदीप मैंने पढ़ी हुई है और बहुत अच्छी कहानियों का संग्रह है इसमें। निबंध जो संग्रह इनका, काव्य और कला, इस पर इन्होंने निबंध लिखा था। कविताएं देखिए, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, ये इनकी कविताएं हैं। कामायनी 1935 में लिखी गई, बहुत ही सुंदर एक काव्य है जिसको हम भारतीय दर्शन का, यानी हम कह सकते हैं जैसे उसमें लगभग 15 सर्ग है, और 15 सर्ग में जैसे चिंता पर लिखा हुआ है, इसके अलावा इन्होंने लज्जा पर लिखा है, इन्होंने बुद्धि पर लिखा है, ईड़ा पर लिखा है, इन्होंने मनु यानी पर लिखा है, यानी बहुत सारे जो 15 अपने जीवन की या मानव की जो अभिवृत्तियां होती है, मानव की जो अभिवृत्तियां जैसे चिंता है, लज्जा है, इन पर इन्होंने लिखा है। बहुत ही अमूर्त, यूं कह सकते हैं कि अमूर्त भावनाओं को इन्होंने मूर्त करने का काम किया है इनमें। कामायनी में बहुत अच्छी अच्छी कविता का रूप आप देखिएगा कभी। ये इनका यहां तक का सफर हुआ। तो आप 9610208295 इन पर आप ऐड हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले इन्होंने देवसेना का गीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहां पर ये केंद्रीय भाव है। क्या है? केंद्रीय भाव है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से सुने कि इसमें क्या है। पहली बात तो ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। कहां से लिया गया है देवसेना का गीत? कहां से लिया गया है? स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। दूसरी बात, देवसेना कौन थी? देवसेना जो थी वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन। कौन थी? मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। और किस समय की बात है ये? जब यहां भारत में हूणों ने आक्रमण किया, और हूणों ने आक्रमण करने पर आर्यव्रत संकट में, आर्यव्रत और भारत, भारत का एक नाम आर्यव्रत भी है। तो होता क्या है कि बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई। बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोग है जो वीरगति को प्राप्त हो गए, बंधु वर्मा भी और सभी। और कौन बची है? केवल देवसेना। और वो देवसेना जो है अपना भाई बंधु वर्मा था, वो यहां से भारत से हूणों को भगाने का उनका स्वप्न था, उसको साकार करने के लिए उसने राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। क्या करना चाहती है वो? राष्ट्र सेवा का व्रत, यानी वो हूणों से इस देश को बचाना चाहती है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। किसकी? यानी वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। किंतु किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया से प्रेम करती थी। अब देखिए विरोधाभास देखिए इसमें। देवसेना जो स्कंदगुप्त को चाहती है, लेकिन स्कंदगुप्त है वो किसको चाहता है? विजया को चाहता है। विजया कौन थी? मालवा के धन कुबेर की बेटी थी। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है। जीवन के अंतिम मोड़ पर जब उन्हें पता चला कि देवसेना जो है वो समर्पित प्रेम करती है, तब उन्होंने देवसेना को पाना चाहा। लेकिन देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती। उस समय तक वह अध्यात्म की ओर जा चुकी थी और महादेवी की समाधि को पुरस्कृत करती है, वहां पर भीख मांगती है, गीत गाती है। यूं कह सकते हैं कि साध्वी के रूप में उन्होंने जीवन यापन करना शुरू कर दिया। स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वे तैयार नहीं होती, स्कंदगुप्त ने कहा कि अब मैं आपसे प्रेम करता हूं और मैं आपसे विवाह करने के लिए भी तैयार हूं,
तब वो तैयार नहीं होती, तो स्कंद गुप्त क्या करता है कि यदि आप मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, आजीवन क्या करूंगा, कुंवारा रहूंगा, और वो व्रत ले लेता है। अब हृदय की, अब वो देवसेना कविता में कहती है कि हृदय की कोमल कल्पना सोजा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। देवसेना कहती है कि जिस समय मेरे मन में चाह थी, जब मैं इन्हें हृदय से चाहती थी, तब इन्होंने मुझे द्वार पर आए हुए लौटा दिया, यानी उस समय इन्होंने मेरी कोई खबर नहीं ली, तो अब क्या है, यानी इसके लिए हाँ वो दुखी होती है, कुछ समय तक वो क्या होती है, दुखी होती है, और मन ही मन वो चाहती भी है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को नियंत्रित करती है। और आगे क्या होता है, आज वो कहते हैं, आज जीवन की भावी सुख आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूं, यानी मुझे ना भावी सुख चाहिए, ना आशा चाहिए, ना आकांक्षा चाहिए। तब वो क्या है कि ये गीत गाती है, किस समय, जो देवसेना का गीत जो हम पढ़ेंगे, वो गीत गाती है कि आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का ये गीत कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभव में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद करती है। यहां पर देवसेना जो है वो अपने जीवन में क्या क्या इन्होंने अनुभव किया उसका ही वर्णन करती है। जीवन के इस मोड़ पर, यानी जीवन संध्या की बेला में, वह यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। जीवन संध्या की बेला में, यानी वो क्या है कि समय बीत चुका था, जवानी निकल गई थी, उस समय वो क्या है कि उन क्रियाकलापों को याद कर रही है कि मैं किस समय कैसा था। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में ही रख रही है, और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसू की अजस्त्र धारा बहती जा रही है। वो कहती है कि जब मैं यौवनावस्था में थी तो मैंने इन्हें चाहा, इन्होंने मुझे नहीं चाहा, और मैंने कौन सी नादानियां की, यानी मैंने कौन कौन से व्रत लिए, और कौन कौन सी मेरे जीवन की कितनी जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों को ठुकरा दिया। और फिर वो क्या है कि पश्चाताप करती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसके आंखों से अश्रु धारा बहने लग जाती है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती है, और वह स्वयं को इससे बचाने की कोशिश करती है। अब वो क्या करती है, आसपास जब देखती है तब उसे लगता है कि हर व्यक्ति जो है वो प्रेम का प्यासा है, और उन प्यासी नजरों से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि वह वैराग्य ले चुकी है इस प्रेम से, फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह उसे बचा नहीं सकी, और यही विडंबना है, यही वेदना है। वेदना क्या है कि जो मेरे जीवन की कमाई है, राष्ट्र सेवा का प्रण लेकर के जब मैं जी रही थी, और उस प्रण को मैं पूरा नहीं कर पाई, और प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है, यानी अब तो वह स्वयं मिट चुकी है, और द्रुतमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चिंतता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही है। उसे पता चल गया था कि अब हम हार गए हैं, हूणों से हार गए हैं, इस राष्ट्र पर हूणों का अधिकार हो गया है, फिर भी वह उन प्रलय से लोहा लेती रही। गीत के शिल्प में रची गई ये कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को व्यक्त करती चलती है, यानी बहुत ही, जब व्यक्ति वेदनामय होता है, व्यक्ति जब अकेला होता है, तो उस समय इस गीत से हम प्रेरणा ले सकते हैं। ये तो था देवसेना। देवसेना के बाद है एक कार्नेलिया का गीत, और ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कहां से लिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक से, जो कि एक प्रसिद्ध गीत है। कार्नेलिया जो कौन थी, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी। कौन है कार्नेलिया, कौन थी, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। और वहां पर क्या होता है, वातावरण कैसा है, सिंधु नदी जो है वहां ग्रीकों का यानी यूनानियों का एक शिविर लगा हुआ है, और पास के वृक्ष के पास वो बैठी हुई है। कहती है कि सिंधु का ये मनोहर तट, सिंधु का ये सुंदर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी, यानी जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा लक्ष्य था, जो मेरी मंजिल थी, वो मंजिल मुझे मिल गई है। ये कितना निसर्ग सुंदर है, मतलब प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी रमणीय है। और आज वह भारतीय संगीत का पाठ, कहती है कि आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं भूल तो नहीं गई। तब वो ये गीत गाती है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये बहुत ही सुंदर गीत है, ये गीत भी हम पढ़ेंगे। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य
को भारतवर्ष की विशेषता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया। ये हमारे देश की गौरव गाथा और प्राकृतिक सुंदरता का सबसे अच्छा नमूना है। ये ना अरुण ये मध्य देश हमारा, ये गीत जो है हमारे देश की गौरव गाथा और हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को प्रकट करने में, इसकी विशेषताओं को प्रकट करने में एक पहचान है। और वो कहते हैं कि पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यानी हमारा जो भारतवर्ष है इसमें पक्षी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और देश में, इस भारत में ही घोंसला बनाने की उम्मीद करते हैं, वो देश हमारा भारत है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। देखिए इनमें प्रश्न आपके यहाँ से आ सकता है कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा कविता में कवि की क्या विशेषता है या क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर अनजान व्यक्ति को सहारा देना, यानी जैसे विदेशी भी आते हैं तो भी उन्हें प्यार से रखा जाता है, लहरों को किनारा देना हमारे देश की विशेषता है, और सही मायने में ये भारत देश की विशेषता है। ये कार्नेलिया का गीत है। अब आप देख लिया आपने कि कार्नेलिया कौन थी, सिल्यूकस की बेटी थी, सिकंदर का सेनापति था, ग्रीक शिविर की बात है वहां पर। अब हम प्रश्नों को देखते हैं कि आपके प्रश्न कौन कौन से है। देखिए सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, 1889 में हुआ, 1889 में काशी में, और मृत्यु जो है वो 1937 में हुई थी। प्रसाद जी के साहित्य का प्रमुख स्वर क्या है, प्रमुख स्वर क्या, देखिए अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रसाद जी के साहित्य का प्रमुख स्वर। देखिए इसमें जैसे एक प्रश्न आ सकता है कि प्रसाद जी के साहित्य का जो प्रमुख स्वर है वो क्या है, प्रमुख स्वर है इनका राष्ट्रीय जागरण, क्या है राष्ट्रीय जागरण। प्रसाद जी की साहित्यिक रचनाओं की मुख्य विशेषता बताइए, साहित्यिक रचनाओं की मुख्य विशेषता भारतवर्ष की गौरव गाथा का वर्णन, भारतवर्ष की गौरव गाथा एवं अतीत का वर्णन, एवं अतीत का वर्णन। प्रसाद द्वारा लिखित किन्हीं दो नाटकों के नाम बताइए, एक तो चंद्रगुप्त ले लो, एक ध्रुव स्वामिनी ले लो, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उस उपन्यास का नाम बताइए जो अधूरा रह गया है, वो है इरावती, क्या है इरावती। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रमुख काव्य संग्रहों का नाम बताइए, जैसे एक तो कामायनी ले लो, आंसू है, झरना है, लहर है, ये सभी हैं। देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, स्कंदगुप्त से लिया गया है, कहां से लिया गया है, स्कंदगुप्त से। देवसेना कौन थी, देवसेना बंधु वर्मा की बहन थी, मालवा के राजा राजा बंधु वर्मा की बहन थी, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा क्यों करता है, स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा क्यों करता है, जब देवसेना विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती, विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है तो वह आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा करता है। देवसेना गीत का सारांश जो है वो अपन ने देखा ही है कि देवसेना जो है वो बंधु वर्मा की बहन है और उसके परिवार के सभी व्यक्ति एक एक करके वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और वह राष्ट्र सेवा का प्रण लिए हुए में जी रही है और वह राष्ट्र सेवा करना चाहती है। कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, चंद्रगुप्त से, किससे लिया गया है, चंद्रगुप्त नाटक से। कार्नेलिया कौन थी, कार्नेलिया कौन थी, कार्नेलिया थी सिल्यूकस की बेटी, कौन थी, सिकंदर के सेनापति, सिल्यूकस की बेटी, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी। अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत में कवि ने क्या व्यक्त किया है, अरुण ये मधुमेह देश हमारा इसमें क्या व्यक्त किया, देखिए इस गीत में इन्होंने, इस गीत की विशेषता है कि यह गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशेषता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है,
इस गीत में, अरुण यमद में देश की हमारा, इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा, प्राकृतिक सौंदर्य, भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस देश की ओर उड़ते हैं वह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना, लहरों को किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में हमारे देश भारत की यही विशेषता है। इससे अरुण यमद में देश हमारा, इसकी इसका सारांश यही है। अरुण यमद में देश हमारा गीत में कवि ने भारतवर्ष की किस विशेषता की ओर संकेत किया? देखिए बात वही है, सेम ही है, यानी किस विशेषता की ओर संकेत किया है? भारतवर्ष की विशेषता और पहचान, इसके अलावा अनजान को सहारा देना और लहरों को किनारा देना, इस विशेषता की, अनजान को सहारा देना और लहरों को किनारा देना, इस विशेषता की ओर इन्होंने संदेश या संकेत किया है। तो 14 प्रश्न है, 14 प्रश्न आप करेंगे और 9610208295 इन पर आप ऐड होने के लिए अपना नाम और लिख करके अवश्य भेजेंगे। उम्मीद करता हूं ये पाठ आपकी समझ में आया होगा और अगला भाग जल्दी ही डिजिटल होगा, अपलोड होगा, उसमें हम कविता की व्याख्या पढ़ेंगे, कविता को अच्छी तरह से समझेंगे और कविता में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं वो भी हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।